ये दोस्तों मौसम कैसा हो गया है, सामने बिल्कुल अंधेरा और इस तरफ का मौसम खुला हुआ है और जंगल की तरफ बिल्कुल घना अंधेरा हो गया। अंदर इधर का देखो, अंधेरा हुआ, बारिश आ गई। शॉप पे आए हैं हमारे कस्टमर। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? आप कहाँ से हैं सर? मेरठ। मेरठ। आप? चारों। आपका शुभ नाम? सभ्य। शभ्यंग। मयंग। चित्रांश। शुभम। शुभम जी, कैसे हैं आप लोग? कहाँ कहाँ का टूर रहा आपका, कहाँ स्टे कर रहे हैं? हम तो गलियाँ घूमने आए हैं। जिम का कुछ दिखा? इवनिंग टाइम में 6:30 के बाद आप ये 6 किलोमीटर कवर करेंगे ना, तो वाइल्ड लाइफ क्रॉस होते हुए आपको दिख सकती है 6:30 के बाद या अर्ली मॉर्निंग 5:30 के टाइम पे। चलिए, ऑल द बेस्ट। दोस्तों यहाँ पे चल रही है कॉलिंग और देखिए हिरन कैसे अलर्ट खड़े। बार आगे जाता हूँ। अब हो गया हूँ मैं वापस। ये लोमड़ी वगैरह से भी डरे हैं क्योंकि इनके साथ के अभी 2-4 इस तरफ भी खड़े हैं, 3 इधर हैं, 2 ऊपर खड़े हैं और एकदम अलर्ट। मैं जाता हूँ ऊपर, यहाँ जाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। तो मैं आ गया हूँ प्लांट में, वुड हिल का प्लांट है और उधर देखिए हिरन यहाँ पे खड़े हो गए। ये देखिए कॉलिंग हो गई शुरू, हो सकता है कि वो दिखेगा, तो देखते हैं क्या होता है। मैं चढ़ता हूँ ऊपर क्रेन में जो इनका मिक्सर है, ये सीमेंट और कंक्रीट को मिक्स करता है। चलिए पहुँच गए हैं, यहाँ ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारा। यहाँ से पहले भी लपट देखा हुआ है पर वो यूट्यूब में आने से पहले देखा है। दो हिरन अभी वहीं खड़े हैं ऊपर की साइड। ये देखिए कितने सारे हिरन खड़े यहाँ पे। ये देख ऊपर की साइड को ही रहे, वहां भी 2 खड़े हैं। हो सकता है पहले उसने यहाँ से इनको दौड़ाया, अब वो निकल के शायद इस तरफ को निकल गया हमारी शॉप की तरफ को। तो देखते हैं यहाँ से नजर बनाते हैं। अभी मैं ऊपर हूँ, सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे और टाइम भी अभी ठीक है, उजाला है।
ये वाला एरिया हमारा गांव का एंड हो जाता है। यहाँ से ऊपर फिर बड़ा पनौत वाला एरिया आ जाता है और यहाँ से कॉर्बेट स्टार्ट है। ये सड़क कॉर्बेट पार्क की बाउंड्री है। सड़क से उधर कॉर्बेट पार्क, देखिए कभी ऐसा भी हो जाता है, ये नीचे को देख के कॉलिंग कर रहा है और उस तरफ को ऊपर को देख के कॉलिंग कर रहे हैं। अभी खुद भी कंफ्यूज, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं, फिर भी देखते हैं क्या है। अब ये सारे उधर जाने लगे सड़क के उस तरफ, पहले वहीं से भागे थे और वापस वहीं को जाने लगे हैं। अब इसमें क्लियर नहीं हो पाता है कि ये कॉलिंग हुई किस चीज़ के लिए थी। ये हैं गाँव के बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं इधर, तो इनको मैंने यहाँ से वापस कर दिया था। मैंने कहा ज़्यादा आगे मत जाओ क्योंकि अभी कुछ पता है नहीं कि ये कॉलिंग हो क्यों रही है। तो ये देखते हैं, नज़र बनाते हैं यहाँ से। ये हमारे कन्हैया भाई, बहुत देर से कॉल हो रही है। हाँ बहुत देर से हो रही है। मैं तो उस तरफ जा रहा था पीछे रिवर की तरफ को, तो मैं आधे रास्ते तक गया तब तो मुझे यहाँ से कॉलिंग आवाज़ आई, मैं वापस हो लिया वहाँ से। हाँ है तो सही, क्योंकि ऐसे डरे हुए हैं ना ये, अब ये भागे हैं ऊपर से, अब वहाँ से नीचे आए, अब नीचे से फिर वापस ऊपर चले गए। क्योंकि ना जी महसूस होना जी बोलते हैं। हाँ वो बच्चे आ रहे थे ऊपर को, मैं वापस कर दें नीचे चले जाओ, वो अल्लाह कर देंगे। हाँ यहाँ से देखिए उधर रिवर साइड का नज़ारा और गांव, ये हमारा गांव है। ये जो सामने टीन सेट देख रहे हैं आप, ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने ये अम्मा को प्रोवाइड करवाया था। बहुत नेक दिल इंसान है, उनका तो हमेशा ही शुक्रगुजार रहेंगे हम लोग। कोसी रिवर, ये सामने जो घर दिख रहा है ये हाथी का तोड़ा हुआ है और वहाँ पे भी कई सारे हिरण है, देखिए चलते हुए दिखाई दे रहे हिरण। और ऊपर उस घर के ऊपर बैठे हुए हैं मोर, मोर के पीछे भी हिरण है कई सारे। मतलब कुछ तो हलचल है आज, इसलिए ये हिरन वगैरह टाइम पे उधर पहुंच गए हैं और कुछ ये खड़े हैं। दोस्तों अब सांबर भी कॉल करने लगा है और अभी उसको फोकस करते हैं कि वो है किस साइड में, क्योंकि सांबर की कॉलिंग होती है पक्की की, कुछ ना कुछ है उधर। ये वैसे भी उस तरफ को आ रहा है, इस तरफ जा लिया हूं। हाँ ये तो क्रॉस हो गया। हाँ ये तो सही कह रहे हैं आप, ये उस ये क्रॉस होते हुए इन्होंने देखा ये, तभी नीचे की साइड आए। अभी नीचे की तरफ से घबराए हुए हैं इसलिए नीचे भी नहीं जा रहे हैं, वापस फिर हो गए। दोस्तों जिस तरफ को हम लोगों का घर है पुराने वाले, उस तरफ को निकल गया शायद टाइगर, सांबर की कॉल वहीं से हो रही है, ये इसीलिए घबराए हुए हैं ये, अब उस तरफ को नहीं जा रहे हैं, वापस जंगल की तरफ को मुड़ गए। Thank you.
ये देख नीचे कोई रहे हैं। दोस्तों आ गया हूँ मैं अपने पुराने वाले घर के एरिया में और देखिए उधर हिरन खड़े हैं। दो हिरन ये खड़े हैं और बुआ जी के घर के ऊपर मोर बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसी कोई हलचल होती है तो अलार्म यही करते हैं क्योंकि मोर ऊपर बैठा रहता है और वहीं से उसकी नज़र लग जाती है टाइगर पे, टाइगर लेपर्ड कुछ भी हो तो वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर हिरन इस रन ने मुझे देख लिया। दोस्तों यहाँ पे भी कई सारे हिरन खड़े हैं और अब मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि शरद भैया का फोन आया, बोले धनगढ़ी में एक बस पलट गई है। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको कैसे क्या हुआ, देख के आते हैं जरा। पहुँच गया हूँ मैं धनगढ़ी नाले पे और यहाँ पे जाम लगा हुआ है बहुत और यहाँ पे बस पलटी है, मैं दिखाता हूँ आपको। जाम देखिए आप पहले, पुलिस प्रशासन की भी टीम आ गई है और उस तरफ भीड़ देखिए आप। ट्रैफिक खुलने लगा है, बड़ी गाड़ियां निकलने लगी हैं। बड़ी गाड़ियां तो आराम से चला देनी थी। तो ये आगे से ये लोग खड़े हैं ना, ये हट जाते हैं। भाई साहब रहने दो, ट्रक आ रहा, ट्रक आ रहा है। दोस्तों बस तो गिरी लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बचा लिया गया था उनको। जेसीबी यहां पे खड़ी थी तो उस वजह से जेसीबी पहुंच गई थी तो लोगों को निकाल लिया वहां से। लो जी लो, पिकअप हो गई, पिकअप जा रही है। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले। इसने भी ज्यादा नीचे ले गया है।
हो गया बस यहीं तक कर देंगे, हो गया पंजाब नंबर की गाड़ी जा रही है। चलिए दोस्तों मैं निकल आया हूँ धनगढ़ी से और वापस घर के लिए, और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है, आपको भी दिखाएंगे। मनोज भी गया वहाँ पे देखने के लिए। और हाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था पिछले ब्लॉग में, वो ये था कि जो टेढ़ा गांव है रामनगर से 2 किलोमीटर लेफ्ट सीताबनी वाला जो एरिया आता है, तो टेढ़ा गांव में 3 महिलाएं घास के लिए जंगल जाए रहती हैं, तो वहाँ पे हाथी है। तो कुछ लोग बता रहे थे कि वो हाथी को किसी ने चिढ़ाया था, मतलब कि अगर वो सड़क के इर्द गिर्द होगा तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हॉर्न बजाया होगा या उसको उसके पास गए होंगे, फिर वो एग्रेसिव हो गया काफ़ी। तो गांव की महिलाएं उधर से घास लेके जा रही थी, 2 तो आगे ही आगे निकल रही थी, 1 पीछे थी। तो पीछे जो महिला थी उसके पीछे हाथी पड़ गया और हाथी ने उसको कुचल डाला, वहीं मार दिया उसको। तो ये बात मुझे वहीं टेढ़ा गाँव के एक मेरे रिलेटिव हैं उन्होंने बताया, तो मैं बीच में भूल गया था आपसे बताते हुए, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। तो कभी भी अगर आप ऐसे जंगल वाले एरिया में जाते हैं तो किसी भी जानवर को चढ़ाना नहीं चाहिए, और ना हॉर्न बजाना चाहिए, ना उसको डीपर देना चाहिए। बस अगर वो शांत खड़ा है तो आप इतना करें कि डिस्टेंस मेंटेन करें, कि वो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रहें। सांबा डियर दोस्तों अभी भी हिरन यहीं पे खड़े हैं, तो यहाँ पे नहीं है हलचल, हलचल है नीचे रिवर साइड वाले एरिया पे। तो मैं आ गया हूँ रिवर साइड में को, पीछे रिवर के पार उधर भी क्लाउड्स लगे हुए हैं और इसमें पानी काफ़ी कम है। बारिश हुई थी धनगढ़ी वाले एरिया पे, इधर को नहीं हुई थी। और सामने हिरन खड़े हैं, शांत हैं, तो इसका मतलब कोई हलचल नहीं है। देखिए दोस्तों अब जाम खुलने लगा है और गाड़ियाँ आने लगी हैं। अब P for? P for penguin. Penguin. L for? L for lion. Lion. K for? K for kite. Kite. L for? No. S for? S for sun. Sun. Y for? Y for yacht. F for? F for fish. L for? L for आना चाहिए ना सब चीज। चलो वी करो वी।
गुड बाय। ब्लू पेंसिल है तो B for voucher. Voucher. Daddy, yeah, voucher. Nature. Sleep one. And. Standing line and. Sleeping line. Sleeping line. Standing line. Yes.